हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक के शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूको बैंक के शेयर के ऊपर। यूको बैंक के शेयर में आज हम लोगों को 1.25% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला। स्टॉक मॉर्निंग में अगर यहां पे बात करेंगे तो गैप अप ओपन हुआ था, बट एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट वापस अपने डे लो से स्टॉक जो है काफी अच्छा रिकवर किया और फाइनली सेकेंड हाफ में जो है ऑलमोस्ट साइड वेज ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेली कैंडल में, स्टॉक ने आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। कंटिन्यूसली 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन के बाद जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली एक अच्छा मूवमेंट हुआ था, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन यहाँ पे शार्प पुल बैक हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट किया, वापस से यहाँ पे हम लोगों को फॉल देखने को मिला। बट अगेन यहाँ पे देखेंगे तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब अगर स्टॉक यहाँ पे वापस से एक हायर लो का फॉर्मेशन करता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो फिर इस स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो आपको रिसेंट का स्विंग हाई 38 का लेवल है, जो कि आपको काफी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है, क्योंकि वीकली और मंथली बेसिस पे भी 38 के लेवल पे जो है आपको एक अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर 38 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है वीकली बेसिस पे, तो फिर आपको यूको बैंक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जहां पे कि पहला टारगेट आपका 50 का होना चाहिए और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 65 और उसके बाद स्टॉक जो है आपको 80 तक का भी लेवल्स दे सकता है। लेकिन पहले उसके लिए जरूरी है जो स्टॉक यहाँ पे आपको अपसाइड में 38 के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करे, वीकली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग दे। जब तक वीकली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग 38 के लेवल के ऊपर नहीं मिलेगा, इस स्टॉक में हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में जो है आपको प्रीवियस स्विंग लो, जो कि समवेयर अराउंड आपको 27 के राउंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, इस स्टॉक में फर्दर डाउनफॉल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक जो है आपको 27 टू 38 के रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।